दोस्तों इस वक्त भारत में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है और उसका नाम है कोरोना वायरस। पर क्या आप जानते हो कि कोरोना वायरस से भी एक खतरनाक वायरस हमारे भारत में इस वक्त घर घर का दरवाजा खटखटा रहा है? नहीं समझे, कंफ्यूज हो गया। अभी मैं आपको बताता हूं कि वो दरवाजा खटखटाने वाला वायरस कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार सुलंद्रा एक बार फिर आपके साथ आपके पास। दोस्तों परेशानी ये आई हुई है, एक तरफ जहां सारा विश्व कोरोना वायरस के सामने घुटनों पर बैठ गया है और इस वक्त ये भारत में भी हाहाकार मचाए हुए है, तो भारत में कुछ जो है, किस नाम से उनको बुलाऊं मैं समझ नहीं पा रहा हूं, कुछ जो है अवांछनीय तत्व कर क्या रहे हैं कि दोपहर के वक्त वो जो है निकल रहे हैं और खुद को अपना आपको सरकारी कर्मचारी बता रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि मैं सरकार की तरफ से आया हूं और उनको ये जो है ब्रह्मांड को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है। कहने का मतलब कि वो खुद को सरकारी इम्प्लाई बताकर आपके अपने घर के अंदर घुस रहे हैं और उनका कहना है कि उनको सरकार ने भेजा हुआ है आपके घर को सैनिटाइज करने के लिए। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये गलत हो रहा है, ये आपके साथ जो है झूठ बोला जा रहा है। और खबरदार रहिए ऐसे लोगों से जो आपको कहते हैं कि वो आपके घर को सरकार की तरफ से सैनिटाइज करने आए हुए हैं। ये लुटेरे हो सकते हैं, ये चोर हो सकते हैं, इनसे एकदम सावधान रहने की जरूरत है। अगर कोई भी आपके यहाँ इस तरह से आता है तो तत्काल आप पुलिस को सूचना दीजिए, क्योंकि भारत सरकार ने इस तरह से किसी को भी अथराइज नहीं किया है कि वो घर के दरवाजे को खटखटाकर जो है आपके घर पर जाकर डोर टू डोर कैंपेनिंग के तहत जो है सैनिटाइज किया जाए। मैं फिर कह रहा हूँ दोस्तों कि इस तरह की किसी तरह की क्रियाविधि में भारत सरकार शामिल नहीं है। कुछ इस तरह के अवांछनीय तत्व तो जो है जागृत हो गए हैं, जाग गए हैं और कोरोना वायरस की आड़ में इस तरह की घटना को भारत में अंजाम दिया जा रहा है। कई घटनाएं सामने आई हैं। मैं भारत सरकार से और सभी राज्यों की पुलिस से भी ये आह्वान करता हूं, उनको आगाह भी करता हूं कि आप लोग जो है कृपया करके इस पर भी एक नजर बना कर रखिए, क्योंकि एक तरफ तो जहां कोरोना की मार पड़ रही है, उस तरह से जो है कोरोना के नाम पर ऐसे चोरों की भी भरमार पड़ी हुई है। उम्मीद करता हूं कि मेरे भारत की जनता को मेरी कही हुई बात अवश्य ही समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों एक तरफ आपको कोरोना वायरस से भी बचना है और दूसरी तरफ कोरोना के नाम पर आते हुए चोरों से भी बचना है। अगर बात समझ में आई होगी और अगर बात दमदार लगी होगी तो सबको बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, नमस्कार और अपना बहुत